तो गाइस हमारी GTA 5 की दुनिया में आ चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी शार्क, जो कि लाखों साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब वो लॉस सैंटोस में कहां से और क्या करने आई है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अब देखना ये है कि अपना किंग कोंग उस खतरनाक शार्क को मार पाता है या फिर अपना किंग कोंग ही उस शार्क के हाथों मारा जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अरे फैल्कन भाई जल्दी बचाओ। एक सेकंड गाइस, ये तो शिनचैन की आवाज थी। शिनचैन क्या हुआ? अरे फैल्कन भाई जल्दी बाहर आओ ना। लेकिन शिनचैन हुआ क्या ये तो बता। अरे फैल्कन भाई जल्दी आ जाओ यार, वरना मैं मारा जाऊंगा। अरे गाइस यार, लगता है कि शिनचैन बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में है, हमें उसे बचाना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे इतने सारे किंग कोंग के बच्चे कहाँ से आ गए? अरे फैल्कन भाई मुझे बचा लो यार, ये सारे मेरे टकले पे मारे हैं। लेकिन शिनचैन तुझे ये मार क्यों रहे हैं? अरे पता नहीं फैल्कन भाई, मैं तो खेल रहा था, अचानक से सारे मारने लग गए। अरे गाइस, अब शिनचैन को कैसे बचाएं, वो भी इतने सारे किंग कोंग के बच्चों से जो कि इतने ज्यादा ताकतवर है। गाइस एक काम करते हैं, इनसे बात करके देखते हैं। अरे गाइस ये क्या, ये सारे किंग कोंग के बच्चे तो मुझे मारने लग गए। अबे शिनचैन जल्दी भाग। अरे कितना ज्यादा मारते हो। लेकिन गाइस हमें फाइनली पता चल चुका है कि ये सारे यहाँ पे क्यों आए थे। अरे फैल्कन भाई तो जल्दी बताओ ना। तो गाइस इन सब के पापा यानी कि अपना किंग कॉन्ग, उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो चुकी है और वो मरने वाला है। अरे फैल्कन भाई क्या बात कर रही हो यार। अबे हाँ शिनचैन, और गाइस इसलिए ये सारे बच्चे हमें यहाँ बुलाने आए हैं ताकि हम इनके पापा को ठीक कर दे। अरे तो फैल्कन भाई जल्दी चलो ना यार। अबे शिनचैन तू सही कह रहा है, अपन लोग जल्दी से इनके पापा के पास चलते हैं ताकि हम उन्हें ठीक कर दे। तो एक काम करो, जल्दी से सब इसके अंदर बैठ जाओ। अबे ये क्या, तुम सारे कार के अंदर बैठ गए, एक तो पीछे भाग के आ जाओ। अरे फैल्कन भाई आप इनसे फालतू मत बोलो यार, वरना ये सारे भी आपके टकले पे बहुत तेज मारेंगे। अबे शिनचैन तू सही कह रहा है मेरे भाई। लेकिन गाइस यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इनके पापा को आखिरकार हो क्या सकता है, क्योंकि वो तो इतने ज्यादा ताकतवर है ना। अरे फैल्कन भाई कुछ भी हो सकता है यार, क्या पता उनकी पावर खत्म हो गई हो। अरे गाइस अपना शिनचैन तो सही कह रहा है, एक काम करते हैं अपन लोग जल्दी से वहाँ चलते हैं। अरे फैल्कन भाई मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है यार। अबे शिनचैन तू टेंशन ना ले, हम सब साथ जाएंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। अरे फैल्कन भाई आप एकदम सही कह रहे हो, और गाइस यार ये देखो, ये रहा अपना मिरर वर्ल्ड, हमें इसी के अंदर जाना है और इसी के साथ मैं चला। अरे गाइस यार ये क्या, हम लोग तो आ भी गए। अरे फैल्कन भाई आप कहाँ गए? अबे शिनचैन हम तो आ भी गए, तो जल्दी नीचे आ। अरे फैल्कन भाई मैं अभी आया बस। और गाइस यार देखो तो जरा, यहाँ पे कितनी ज्यादा ठंडी हो रही है। और ये क्या, मैं तो नीचे भी पहुँच गया। अरे फैल्कन भाई जल्दी देखो, हमें किंग कोंग मिल गया। अरे गाइस शिनचैन सही कह रहा है, फाइनली अपन लोग को किंग कोंग मिल चुका है। और फैल्कन भाई देखो तो जरा, कितना बड़ा किंग कोंग है ये, लेकिन ये ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? अरे नहीं गाइस यार, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे फैल्कन भाई क्या हो गया यार? अबे शिनचैन, जो कोंग की जादुई तलवार थी वो कहीं लॉस सैंटोस में खो चुकी है, और अगर वो इसे जादुई तलवार ना मिली तो अपना किंग कोंग मर भी सकता है। अरे ये क्या फैल्कन भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। अबे हाँ शिनचैन, तो एक काम कर, जल्दी मेरे साथ चल, हमें जल्दी से लॉस सैंटोस जाना पड़ेगा ताकि हम इसकी तलवार ढूंढ सके। तो गाइस यार इसी के साथ अपन लोग पहुंच चुके हैं अपने लॉस सैंटोस। अब हमें कैसे भी करके वो जादुई तलवार ढूंढनी पड़ेगी, वरना अपना किंग कोंग मारा जाएगा। अरे ये क्या फैल्कन भाई, अबे शिनचैन क्या हुआ? अरे फैल्कन भाई एक बार सामने तो देखो यार। अबे सामने क्या है? एक सेकंड गाइस यार, यहाँ पे इतनी सारी लाशें कैसी पड़ी है? अरे फैल्कन भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे शिनचैन तू सही कह रहा है, गाइस यार यहाँ पे इतनी सारी लाशें कहाँ से आ गई? अरे फैल्कन भाई वो देखो, आसमान में तो तीन तीन हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं यार। अरे फैल्कन भाई कहीं वो जादुई तलवार ओशन के अंदर तो नहीं गिर गई और उसे किसी शार्क ने उठा लिया हो? अरे हाँ गाइस ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सारा काम मुझे शार्क का ही लग रहा है। तो शिनचैन एक काम कर, अब तू जल्दी से अपने किंग कोंग के पास जा और उसे यहाँ पे बुला के लिया, तब तक मैं ओशन के अंदर जाता हूँ और उन सभी शार्कों को संभालता हूँ। अच्छा ठीक है फैल्कन भाई, अपना ध्यान रखना यार। अबे हाँ शिनचैन, लेकिन तू जल्दी जा। अरे गाइस यार ये क्या, मुझे जल्दी से अपने किंग कोंग को यहाँ लाना पड़ेगा, वरना अपने फैल्कन भाई की जान भी जा सकती है। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस वाली बोट को लेके, वो भी एकदम ओशन के बीचों बीच। और एक सेकंड भाई साहब, मुझे लगा ये वही वाली शार्क है। गाइस यार यहाँ पे कहीं से भी वो वाली शार्क आ सकती है। गाइस यार मुझे यहाँ पे कोई ना कोई आवाज तो आ रही है। और एक सेकंड भाई साहब,
ये तीन तीन शार्क तो मेरे पीछे ही पड़ चुकी है। ए गाइस यार ये तो अपना मुंह खोल रही है मुझे खाने के लिए। और एक सेकंड, यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार शार्क एक साथ। गाइस मुझे लग रहा है इनकी पूरी टीम है और ये बहुत सारी शार्क एक साथ आई है पताल के अंदर से। गाइस यहाँ पे तो मुझे कुछ ज्यादा डर लग रहा है। आई डोंट नो कि अपना शिनचैन कहाँ पे है और वो किंग कोंग को लेके कब तक आएगा। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अबे छोड़ दो मेरा पीछा। गाइस एक काम करता हूँ, फुल स्पीड पे अपनी बोट भगा देता हूँ यहाँ से। मेरी बोट बीच में क्यों बंद हो गई? अबे चल जा यार। नहीं नहीं अरे शिट गाइस उन्होंने मुझे थक्का मार दिया। गाइस अब मैं इनके बीचों बीच हूँ, कहीं मुझे खा न ले फ्रैंकलिन मेरे भाई। जल्दी गाइस अरे शार्क ने मुझे मुंह में पकड़ लिया। शिट अबे फ्रैंकलिन भाई जल्दी भाग। अरे नहीं गाइस अपने फ्रैंकलिन को खून निकल रहा है बहुत ही ज्यादा। शिनचैन तू काहे मेरे भाई? फ्रैंकलिन मेरे भाई जल्दी भाग। गाइस यार कितनी सारी शार्क थी वहां पे और कितनी ज्यादा खतरनाक थी। अपने फ्रैंकलिन को यहां पे कैसे भी करके भागना पड़ेगा और अपने फ्रैंकलिन के सारे कपड़े फाड़ दिए उन शार्क ने। गाइस अब पता लगा वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब मैं उनके पास अकेले नहीं जाने वाला। और ये क्या, यहां पे तो किंग कोंग खड़ा है। गाइस यार शायद से अपना शिनचैन किंग कोंग को लेके आ चुका है। अरे फ्रैंकलिन भाई क्या हो गया यार? अबे शिनचैन वहाँ पे कुछ ज्यादा खतरनाक शार्क है। और ये क्या, शिनचैन किंग कोंग तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा तो ये शार्क से कैसे लड़ेगा? अरे फ्रैंकलिन भाई अभी कोंग के अंदर बहुत सारी पावर है, इसने मुझे रास्ते में अपनी सारी पावर दिखा दी। अरे फ्रैंकलिन भाई ये देखो यार अपना किंग कोंग तो छोटा हो गया। लेकिन शिनचैन ये छोटा कैसे हो गया? अरे फ्रैंकलिन भाई जो भी इसमें पावर थी ये उससे छोटा हो गया ताकि ये अंदर जाके शार्क को मार सके। और ये देखो इसने तो कार में कितनी धूल फेंक दी। अरे हाँ गाइस अपने कोंग के अंदर तो पावर बची हुई है। और ये क्या फ्रैंकलिन भाई ये तो सीधा पानी के अंदर कूद गया। अबे हाँ शिनचैन अब मुझे लगता है ये उन सभी शार्कों को जान से मार देगा। और ये क्या शिनचैन ये तो इस वाली बोट को खत्म ही कर देगा, इसको जल्दी से रोक। अरे किंग कोंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस वाली बोट को नहीं तबाह करना, तुम जल्दी से पानी के अंदर जाओ, तुम्हें सारे की सारी शार्क वहीं पे मिलेगी। हाँ तो गाइस अरे इसी के साथ अपना किंग कोंग आ चुका है पानी के अंदर। और ये क्या अपना किंग कोंग तो पानी के अंदर भी भाई साहब इतनी स्पीड में भाग रहा है। गाइस यार एक सेकंड, ये सामने से शार्क ही आ रही है क्या भाई? अपने किंग कोंग ने इसको एक हाथ से पकड़ लिया। अरे फ्रैंकलिन भाई किंग कोंग को देखो वो तो हवा में उड़ गया शार्क को लेके। और ये गाइस यार किंग कोंग के अंदर कितनी ज्यादा पावर है, ये तो शार्क को हवा में लेके आ गया। अरे फ्रैंकलिन भाई ये तो हमारे पास ही आ गया। गाइस यार ये अपना किंग कोंग शार्क को कितनी गंदी तरह मार रहा है भाई, ये तो इसको जान से मार देगा। और ये क्या इसने इसके अंदर कैसी पावर डाल दी? गाइस यार ये देखो अपना किंग कोंग तो एक शार्क को लेके भी आ गया और कितनी बड़ी शार्क थी। एंड गाइस अपने किंग कोंग ने इसको चुटकियों में मार दिया। अरे गाइस यार ये देखो ये तो यहाँ पे है सारी की सारी शार्क है। और ये कितनी सारी है, आई थिंक ये सारी की सारी शार्क सो रखी है। और ये क्या इनमें से तो एक उठ भी गई। गाइस अपने किंग कोंग को यहाँ पे फिर से कुंतक आ गई और इसने एक साथ दो दो शार्क को उठा लिया। भाई साहब ये तो फिर से हवा मिल गया उन वाली शार्क को। और भाई साहब कितनी गंदी तरह मार रहा है। अरे फ्रैंकलिन भाई अब बताओ किंग कोंग के अंदर जान है ना? अबे हाँ शिनचैन इसके अंदर तो कुछ ज्यादा जान है। और ये क्या ये इस वाली शार्क को कितना ज्यादा मार रहा है, अबे छोड़ भी दे उसे अब। और ये देखो फ्रैंकलिन भाई अपना कोंग तो वापिस से बड़ा हो गया। अबे हाँ शिनचैन और वो देख उसके हाथ में फिर से उसकी जादुई तलवार आ चुकी है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई शायद से अपने किंग कोंग के अंदर सारी पावर आ चुकी है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने किंग कोंग को उसकी जादुई तलवार मिल चुकी है। हाँ तो शिनचैन तुझे अपनी ऑडियंस से कुछ बोलना है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई तो गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ गाइस कमेंट में जाके किंग कोंग मोपे लिख दो। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।